जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे मन बड़ा होना चाहिए। एक जंगल में बांस के पेड़ के साथ साथ आम का पेड़ भी था। बांस का पेड़ देखने में लंबा था और आम का पेड़ छोटा था। यह देखकर बांस का पेड़ अक्सर आम का मजाक उड़ाता और कहता, देखो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ और एक तुम हो जो इतनी आयु होने पर भी छोटे ही हो। आम का पेड़ बोला, यह तो सबकी अपनी अपनी प्रकृति पर निर्भर है। कद ऊंचा हो जाने से या विशाल होने से कुछ नहीं होता। छोटे होने का यह अर्थ नहीं कि वह महान और बड़े काम नहीं कर सकता। इसी तरह लंबे या बड़े होने का यह अर्थ नहीं कि वह छोटे काम को घृणा की नज़र से देखे। किंतु बांस को उसकी बातें समझ नहीं आई। कद के घमंड में चूर वह बोला, तुम मेरे बड़े कद से जलते हो, इसलिए मुझे ऐसी बातें सुना रहे हो, भला मैं छोटे काम क्यों करूं? कुछ वक्त बाद आम के वृक्ष पर मंजीरियां लगी और कुछ दिनों बाद वह फलों से लद गया। फलों से लदा होने की वजह से वह झुक गया और बांस दिनों दिन लंबा होकर सूखता चला गया। किंतु उसका अभिमान अभी भी कम नहीं हुआ था। एक दिन वह आम को देखकर बोला, मुझे देखो, मैं दूर से ही नज़र आ जाता हूँ और एक तुम हो जो फलों से लदकर झुके जा रहे हो और छोटे होते जा रहे हो। अभी उनकी बातें ख़त्म ही हुई थी कि कहीं से यात्रियों का एक झुंड वहाँ पर आया। उन्होंने आम के वृक्ष को फलों से लदा हुआ देखा तो वहीं डेरा डाला और विश्राम करने लगे। रात होने पर ठंड से बचाव के लिए उन्होंने आग जलाने की सोची और पास ही खड़े बांस के वृक्ष को काटकर लकड़ियों का ढेर लगा दिया। कुछ ही देर में बांस का पेड़ राख हो गया। आम का वृक्ष अभी भी शांत था और राहगीरों को अपनी छांव तले विश्राम दे रहा था, जबकि अभिमानी बांस का अंत हो गया था। दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और भी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय श्री राम।